द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे ऑफ रिसीविंग नॉलेज, दैट्स व्हाई प्रिंट रिवोल्यूशन आर अकर। ओनली लिटरेट कुड रीड द बुक, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि लिटरेट लोग ही क्या कर सकते थे, बुक को रीड कर सकते थे। इसी वजह से पब्लिशर ने इंट्रोड्यूस किया फोक टेल्स पिक्चर इन द बुक, के जिससे पिक्चर के थ्रू भी स्टडी की जा सके। टेक्स्ट वॉज सैंग बाय द लिटरेट एंड हर हियर बाय द इलिटरेट, मीन पढ़े लिखे जो लोग है वो क्या करेंगे, गाएंगे जो लिखा है वो, और जो इलिटरेट है वो लोग उसको सुनेंगे। वैसे ही पीपल विथ ई रिलीजियस ideas could now circulate their ideas through the book। जो religion के oppose में जो ideas है वो क्या होने लगे, circulate होने लगे। उसमें सबसे बड़ा नाम है तो मार्टिन ल्यूथर के, उसने 1517 में एक थीसिस लिखी थी, उस थीसिस का नाम था 95 थीसिस। उसमें क्रिटिसाइज किया गया रिचुअल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च और दिस लीड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। सर्वल कंट्रोल वेर इम्पोज ऑन द बुक सेलर एंड द पब्लिशर। 95 थीसिस में लिखी जो बातें थी रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर, इसी वजह से थोड़े रिफॉर्म हुए और जो बुक पब्लिश हो रही थी उसके ऊपर थोड़े कंट्रोल करवा दिए। और रोमन चर्च ने तो स्टार्ट किया इंडेक्स के, जो प्रोहिबिटेड बुक की इंडेक्स है उसको लोगों के सामने लाए।